टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू से इट अगेन. ठीक है, जब कोई हमें बात समझाता है तो बाज़ूकात हमें समझ नहीं लगती, तो आपके पास चंद फिक्रे ऐसे होने चाहिए कि हम किसी को बता सकें और कह सकें कि आप दोबारा बताइएगा. सिंपल सा एक सेंटेंस है, पहला लेवल प्लीज रिपीट. ठीक है, आप ये कह सकते हैं. दूसरा मे बी नया लफ्ज हो आपके लिए, दैट इज पार्डन. पार्डन, आप माफ़ कीजिएगा. जैसे अब आपने अपनी बॉडी लैंग्वेज से बताना है तो उसमें लफ्ज के अंदर ही क्वेश्चन मार्क मौजूद है. ठीक है, तो माफ कीजिएगा मीन्स पार्डन. नेक्स्ट, वुड यू माइंड रिपीटिंग प्लीज, तो ये उससे जरा बेहतर तरीका है कि क्या आप बुरा तो नहीं मनाएंगे अगर आप इस बात को क्या करें, दोहरा दें. ठीक है, उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, सॉरी व्हाट यू सेड, माफ कीजिएगा क्या कहा है आपने. ठीक है, तो आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से और लहजे से जैसे आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे उससे पता चलेगा कि आप किस तरह से इसको प्रोनाउंस कर रहे हैं. नेक्स्ट, आप कह सकते हैं सॉरी आई कुडंट हियर, माफ कीजिएगा मैं सुन नहीं सका आपकी बात को. इन सब का मतलब क्या होगा, आप इस बात को दोहरा दीजिए. ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह कि अगर आप किसी बंदे से ये पूछना चाहते हैं कि मेरे जिम्मे क्या काम है, ठीक है, तो उसको पूछने के कई अच्छे तरीके हो सकते हैं. ठीक है, मसलन जैसे आप कह सकते हैं मैं आपसे ये कहूं कि भाई कल को आपने ये 10 सेंटेंसेस या 10 जो टॉपिक्स हैं तैयार करके आने हैं. ठीक है, तो अब आपके जहन में होगा कि मैं शायद ये कहूं आई शुड प्रिपेयर 10 टॉपिक्स, तो उसके लिए एक मेथड बहुत अच्छा चलता है, ये फर्स्ट वाला, एम आई सपोज्ड टू डू इट, यानी क्या ये मेरी जिम्मेदारी है. ठीक है, जैसे मसलन मैं ये कहूं एम आई सपोज टू रिकॉर्ड इट, मतलब जैसे आज को रिकॉर्ड कर रहा है, या आप यदि पूछे एम आई सपोज टू सिट ऑन द लैपटॉप, तो एम आई सपोज का मतलब है क्या मेरी जिम्मेदारी है, मेरे से मुतलका ये बात है. उसका इज इट आई टू डू, क्या मैंने ये काम करना है. इसी तरह से डू यू थिंक आई नीड टू परफॉर्म, आपका क्या ख्याल है कि मुझे ये बात ये काम परफॉर्म करना चाहिए. नेक्स्ट, Are you sure it's my duty? क्या आपको इस ये पक्की बात है कि ये मेरी ही ड्यूटी है. ठीक है, तो अब आप बजाय सीधा पूछने से कि ये जरा ज्यादा अच्छे रिफाइंड अंदाज में आप बेटा पूछ सकते हैं. नेक्स्ट, एम आई अंडर एनी ऑब्लिगेशन, क्या मेरे ऊपर कोई इस बात की मजबूरी तो नहीं है. मजबूरी से मुराद क्या होगा कि हम लोगों से इसके बारे में सवाल किया जाएगा. ठीक है, मजबूरी का मतलब यही हुआ ना, आपकी जिम्मेदारी थी, आपने क्यों ये काम कंप्लीट नहीं किया. ठीक है, तो इस तरह से आप इसको पूछ सकते हैं जब आप किसी हवाले से मजबूर हों कुछ काम करने के लिए. ठीक है, अगर अगर आपने किसी को कहना है हाँ वाकई भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, तुम इस काम के लिए क्या हो, मजबूर हो, यानी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो कई पोलाइट तरीके भी हो सकते हैं. फर्स्ट है बेटे आई एम अफ्रेड यू नीड टू डू इट, तो मुझे डर है कि आपको यह काम करना पड़ेगा. ये मुझे डर है का मैंने आपको बताया था कि ये वो वाला डंडे वाला डर नहीं है, खौफ वाला डर नहीं है, मुरव्वत वाला डर है कि अगला बंदा बुरा ना मना जाए. ठीक है, तो अगर आप इसमें एक्सेंट की बात करें तो ये जो आई एम लफ्ज है ना, इसको मैंने आपको क्या बताया था, आई एम. ठीक है, और जब हम इसको थोड़ी स्पीड से प्रोनाउंस करेंगे तो सिर्फ क्या आवाज आएगी, आई एम अफ्रेड. जो नेटिव स्पीकर हैं वो क्या कहेंगे, आई एम अफ्रेड. आई और एम दोनों की आवाज नहीं आएगी, सिंपल सा क्या जबर सी, आई एम अफ्रेड. आई एम अफ्रेड का मतलब है जब भी आपने किसी को कोई ऐसी बात कहनी है जो उसको बुरी लग सकती है तो आप ये लफ्ज वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं. आई एम अफ्रेड यू नीड टू डू इट, जैसे मैं कहूं आई एम अफ्रेड यू नीड टू प्रिपेयर 15 टॉपिक्स फॉर टुमारो. ठीक है, तो अब इसमें जो इससे मुराद क्या है, अच्छे तरीके से आपने अगले को बता दिया कि भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें ये करना पड़ेगा. नेक्स्ट बेटे, सॉरी यू कांट अवॉइड, आप कहें कि 15 टॉपिक बहुत ज्यादा है, मुझसे नहीं ये याद होता, तो मैं कहूंगा सॉरी यू कांट अवॉइड, आप इससे बच नहीं सकते. भाई अगर आपने पूरी जिंदगी यहां पे कोर्स करना है तो आप करते रहे एक एक, एक दो दो टॉपिक. ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि एज सून एज पॉसिबल हो तो फिर आप इसको आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा. नेक्स्ट, आप किसी को वाजे बता सकते हैं नो अदर वे, भाई और कोई रास्ता नहीं है. ठीक है, यू आर ऑब्लाइज्ड टू डू इट, तुम्हें ये काम भाई करना पड़ेगा. उसके बाद आप कह सकते हैं यू हैव टू, तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, एंड आई मीन इट, और मेरा वाकई ही ये मतलब है. कोई आपसे आपके मातहत हो जिस पर आपका कंट्रोल हो उसको आप ये बात
कह सकते हैं, ठीक है। मतलब वालदैन जो है बच्चे को कह सकते हैं यू हैव टू, मतलब आप कहें कि आई डोंट वॉन्ट टू स्टडी मोर, मैं नहीं भाई और पढ़ना बस खत्म, तो आप पेरेंट्स क्या कह सकते हैं, यू हैव टू डू इट एंड आई मीन इट, कहना हूँ लग ही समझ, मेरा यही मतलब है कि अगर ऐसा ना ना हुआ तो फिर थप्पड़ चपेड़े और जूतियां वगैरह भी हो सकती हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है, इट्स ओनली यू हु हैज टू डू इट। ये भाई और किसी ने नहीं करना, खास तौर पर आप वाजे बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, इट इज ओनली यू, ये सिर्फ और सिर्फ किसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो यानी अगर आपने बॉसी एटीट्यूड अपनाना है, आप किसी ओहदे पे पहुंचते हो, किसी को उसकी जिम्मेदारी के बारे में बताना है, तो नरमी वाला मिजाज हो सकता है, यू आर सपोज टू डू इट, ठीक है। कई लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनको आप ये बातें इस तरह से फिर कहनी पड़ेंगी कि यू हैव टू डू इट एंड आई रियली मीन इट, आर यू श्योर, आप उससे मतलब पूछ सकते हैं, फिर इस तरह से आप उसको हुक्म सादर फरमा सकते हैं। नेक्स्ट बेटे, यू मस्ट नॉट डू समथिंग, ठीक है। मसलन अगर आपने किसी को खबरदार करना है कि ये काम ना करें, तो आप कैसे करेंगे, उसका पहला सेंटेंस क्या हो सकता है, बी वेयर नेवर यू थिंक ऑफ इट, कहना भाई एहतियात करना, इस बारे में कभी सोचना भी मत, ठीक है। आप तो सारे अजीम लोग हैं, कोई बंदा सिगरेट पी रहा था सामने, तो अब आप उसके लिए एक हमारी सोसाइटी के अंदर एक डिफरेंट मिजाज पाया जाता है, आपने उससे बचाना है, आपने कहना है कि भाई सोची भी ना, ठीक है, भावे अब्बा जी पीने हो लेकिन तू सी सोचना ने। नेक्स्ट जो है, ओके, आई थिंक यू शुड नॉट, तो ये भी आप किसी को मोहतात रहे, आई थिंक यू शुड नॉट स्मोक, मेरे ख्याल में आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट, देयर इज नो नीड टू डू स्मोकिंग, तो आपको कोई जरूरत नहीं है, आप इस तरह से बता सकते हैं। नेक्स्ट बेटे, स्किप दिस, इट्स नॉट योर ड्यूटी, कि चलो भाई ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह से आस्क योरसेल्फ, अब भाई तुम खुद बताओ व्हाई डू दिस थिंग, क्यों हम ये काम करें, ठीक है। तो ये भी मना करने का एक अच्छा अंदाज होता है कि आप कहें कि खुद बता दें, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर आप कहें कि सर क्या हमने कल याद करके आने हैं, तो मैं कहूँ बताओ फिर और किसने करके आना है, तो यानी अब इससे मुराद जो है वो आपको ही बताया जा रहा है कि भाई आपने ही इसको याद करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट है बेटे, डू समथिंग प्लीज, तो अगर हम किसी से कोई सर्विसेज चाहते हैं तो आप ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। मसलन, वुड यू प्लीज ओपन द डोर, वुड यू प्लीज फैच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, किसी से कोई भी काम आपने करवाना है, जैसे वुड यू प्लीज गिव मी 100 रुपीज, तो कोई भी जो आप किसी के सर्विसेज लेना चाहते हैं तो उससे आप खिदमत का मुतालबा इन वर्ड्स में कर सकते हैं। माइंड इफ आई टेल यू टू डू, जैसे यार बुरा तो नहीं मनाओगे अगर मैं कहूँ माइंड इफ आई टेल यू टू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, जब मैं कहूँगा पानी का ग्लास लेकर आओ तो क्या आप बुरा तो नहीं बनाओगे, या इस तरह से माइंड If I tell you to close the window, अब बस में सफर कर रहे हैं, सर्दियों के दिन है या गर्मियों में फुल गर्मी, मिट्टी का टा अंदर आ रहा है, तो आप उसको क्या यही बात अल्फाज कह सकते हैं कि बुरा तो नहीं मनाएंगे कि अगर आप खिड़की को बंद कर दें। नेक्स्ट, वुड यू फेवर टू डू, अब ये ज्यादा अच्छा तरीका है कि आप किसी, क्या ये आप मेहरबानी करेंगे, जैसे वुड यू फेवर टू डू, वुड यू फेवर टू गो टू सोफा सो दैट आई मे यूज दिस चेयर, ठीक है। तो क्या आप बराए मेहरबानी सोफे पर चले जाएंगे ताकि मैं इस चेयर पर बैठ जाऊं, ठीक है। तो अब आप किसी से कोई भी फेवर लेना चाहते हैं तो आप ये बता सकते हैं, वुड यू फेवर टू टेल मी द वे टू सिटी कंप्यूटर कॉलेज, तो जिस तरफ आपने रास्ता बताना है वो भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे, आपने पहले शुक्रिया अदा कर दिया, नाइस ऑफ यू इफ यू क्लोज द विंडो, जनाब बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी आपकी अगर आप विंडो को बंद कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है, ये बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा अच्छा है, डू मी अ फेवर टू लर्न ऑल दीज टॉपिक्स, जनाब मेरे ऊपर आपकी बड़ी बड़ी नवाजिश होगी, बड़ी शफकत होगी अगर आप ये काम करेंगे, भाई इसको आप याद करेंगे, ठीक है। 41 वाला, ये बड़ा अहम है भाई, हमें जिंदगी में बेशुमार जगह पर ये कहना पड़ता है भाई, हमेशा टीचर क्या कहते हैं, बेहतर है भाई पढ़ लो, ठीक है। माँ बाप क्या कहते हैं, बेहतर है कि मेहनत कर लो, ठीक है, बेहतर है कि वक्त पे सोया करो, बेहतर है वक्त पर उठा करो, बेहतर है अच्छा खाना खाओ, बेहतर है उससे सिगरेट से बचो, बेहतर है बेहतर, ये वाले वर्ड्स हम किस तरह से बेटे इंग्लिश में बताएंगे, तो उसके लिए ये डिफरेंट वर्ड्स जो हैं वो आपके पास मौजूद हैं। बस एक तरीका क्या हो सकता है, इट्स क्वाइट अप टू यू टू, अप टू यू का मतलब है तुम पर है, जिसको कहते हैं भाई ये तैरते हैं हम,
तो ये उसी इंग्लिश में हम इसे कहेंगे, ये फैसला किसने करना है, आपने करना है. नेक्स्ट, इट्स बेटर टू डिसाइड योरसेल्फ, बेहतर है कि ये तुम खुद ही फैसला कर लो. उसके बाद पॉन्डर व्हाट टू डू, गौर करो कि क्या किया जाए. ठीक है, पॉन्डर गौर और फिक्र करना. आपने ये नोट करना बेटे, जो पहला फिक्रा है वो जरा सिंपल लेवल का आता है, फिर उससे बेहतर आता है, फिर उससे बेहतर आता है. आपको जो फिक्रा अच्छा लगे आप उस हिसाब से इसको इस्तेमाल करना है. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट यू थिंक इज राइट फॉर यू टू डू, आपके ख्याल में आपके लिए क्या बेहतर है कि आप क्या करें. ठीक है, नेक्स्ट आप कह सकते हैं फील फ्री टू डिसाइड, दैट्स माई फेवरेट. आप ये हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं. मसलन मैं कह सकता हूं फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, फील फ्री टू आस्क एनीथिंग. फील फ्री का क्या मतलब है, मौज करें, टेंशन फ्री होके जो बात भी है वो आप करें. यानी मुकम्मल तौर पर आप इंडिपेंडेंट हैं कोई काम करने के लिए, उसके लिए हम क्या लफ्ज़ यूज करते हैं, फील फ्री. मसलन मैं कहूँ फील फ्री टू सिट ऑन एनी चेयर, किसी चेयर पर आप बैठ जाएं, कोई मसला नहीं है, जहां मर्जी बैठ, इस तरह. तो नेक्स्ट है बेटे, अगर आपने किसी को कुछ जो प्रोसीजर है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जैसे हम कहें कि जीमेल अकाउंट कैसे बनाना है या फेसबुक का आईडी कैसे बनानी है या कोई भी और प्रोसेस है, प्रोसीजर है, तो हम उसे कोई तरीकेकार समझाना है तो हम कैसे समझा सकते हैं. तो जाहिर है किसी भी तरीकेकार में कुछ स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स में से सबसे अहम स्टेप होता है कोई. तो आप आगाज किससे करेंगे, रिमेंबर फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले यू शुड हैव इंटरनेट कनेक्शन, या यू शुड हैव अ लैपटॉप, यू शुड हैव अ मोबाइल फोन, जो भी आप कहना चाहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल का लफ्ज आपने याद रखना है, सबसे पहले. नेक्स्ट आएगा बेटा, इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट अ डिफिकल्ट कि भाई इतना कोई मुश्किल बात है नहीं है. यू जस्ट नीड टू हैव एन इंटरनेट कनेक्शन, आपको सिर्फ क्या चाहिए, इंटरनेट का एक कनेक्शन. तो उसमें जिस चीज की जरूरत है सबसे पहले आप वो बता सकते हैं. नेक्स्ट बेटा क्या, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, तो वहां पे था फर्स्ट ऑफ ऑल, यहां पे आपने क्या कह दिया, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज. द नेक्स्ट वन वुड बी नाउ, लिसन टू मी, मेरी बात आप गौर से सुनो. द वे इज स्ट्रेट, ठीक है, रास्ता जो है बिल्कुल सीधा. नेक्स्ट, अब आप ये दो लफ्ज याद कर लें, फर्स्ट, जैसे फर्स्ट यू शुड हैव इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है, देन यू शुड इनपुट द रिक्वायर्ड डिटेल्स, देन यू शुड राइट योर एड्रेस, देन फलां. तो आप इस तरह फर्स्ट के बाद फिर देन करके एंड फाइनली, एंड वाले लफ्ज पे क्या कह दें, फाइनली. तो आप इस देन को बाद में आप आफ्टर दैट भी कह सकते हैं. तो कोई भी प्रोसेस आपने बताना है तो ये दो लफ्ज आपके बहुत काम आएंगे, एक तो फर्स्ट, फिर उसके बाद दरमियान वालों में देन, ठीक है, फिर आप फाइनली, ठीक है, या लास्टली, तो उसको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट भाई, जिंदगी में इंसान को बेशुमार जगह पर मशवरे की जरूरत जो है वो पड़ती है. ठीक है, तो अब आप किसी दोस्त से, किसी टीचर से या कि पेरेंट से मशवरा करना चाहते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, नंबर वन, प्लीज एडवाइज मी टू. तो ये सिंपल सा बेसिक तरीका है कि आप डायरेक्ट कहें कि आप मशवरा दें. उसके बाद टेल मी व्हाट आई शुड डू नाउ, आई मीन यू वांट टू गो अब्रॉड एंड यू आर प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर, सो यू मे आस्क समवन दैट दिस स्पेसिफिक क्वेश्चन, टेल मी व्हाट आई शुड डू नाउ, अब मुझे क्या करना चाहिए. द नेक्स्ट वन वुड बी, आई अप्रिशिएट योर काइंड एडवाइस. ये भी किसी से मशवरा लेने का ज्यादा अच्छा तरीका है कि भाई मैं आपको दाद दूंगा आपके मशवरे के मुताबिक. ठीक है, इसके बाद आई एम इन नीड ऑफ योर सजेशन, ये लफ्ज जरा गौर से देखना आपने, दैट इज सजेस्ट. ये सजेशन हम अक्सर पढ़ते हैं तो दैट्स रॉन्ग, ये सजेशन नहीं है, ये क्या है, सजेशन. जैसे किसी बच्चे को बेटे सवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसकी इंग्लिश आती है सवाल की इंग्लिश, क्वेश्चन, उसके एंड क्या स्पेलिंग है, टी आई ओ एन, है ना, हम उसको क्वेश्चन तो नहीं कहते, क्वेश्चन क्या कहते हैं हम, क्वेश्चन. तो ये भी फिक्रा जो है, ये वर्ड जो है वही वाला है कि सजेशन हम इसको पढ़ते हैं लेकिन वो क्या है, सजेशन. जैसे हम क्वेश्चन है, ये उसका कजन है सजेशन. ठीक है, इस तरह से. नेक्स्ट है, इट इज ओनली यू हु कुड गाइड द बेस्ट. तो किसी को मक्खन लगाए अच्छी तरह मशवरा अच्छा लेना है, उनका भाई जनाब सिर्फ आप ही हैं जो मुझे बेहतरीन मशवरा
दे सकते हैं भैया, आपके अलावा सारी दुनिया बेवकूफ है। नेक्स्ट जो है, आपने अगर बेटे किसी को नसीहत करनी है, मशवरा मुफ्त है जैसे, उसमें दिस इज बेटर फॉर यू टू लर्न इंग्लिश, तो आपके लिए बेहतर है कि आप इंग्लिश सीख लें। नेक्स्ट, ये बहुत अच्छा तरीका है, इफ आई वर इंस्टेड ऑफ यू, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं फिर ये काम ऐसे करता, तो ये भी एक दूसरे को मशवरा देने का बेहतरीन तरीका। जैसे इसके लिए और सिंपल भी मेथड यूज होता है, आप कह सकते हैं इफ आई वर यू आई वुड हैव लर्नड इंग्लिश, अगर मैं तुम्हारी जगह होता या तो मैं इंग्लिश सीख लेता। कोई भी काम जो है वो आप इसमें ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बेटे, इट्स तीसरा देखो, इट इज ऑल इन योर बेनिफिट टू, ये तुम्हारे फायदे में ही है सारी की सारी बात। तो आप मशवरा जब किसी को देते हैं तो उसको एहसास दिलाते हैं कि भाई मेरा कोई फायदा नहीं है, ये फायदा जो है वो किसका है, वो आपका है, ये तुम्हारा फायदा है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ यू आस्क मी देन आई विल से, ये भी एक अच्छा मशवरा है, ये मेरे को पूछे ना तो मैं ये मशवरा दूंगा, हालांकि पूछे नहीं तुझे सपोज, या अगर आपने वो मशवरा, क्योंकि अगला बंदा कि मैं तो मशवरा का ही नहीं, आपने इफ लगा के जो है वो अपनी इज्जत भी महफूज कर लिया, आपने कहा इफ यू आस्क मी, अगर तुम मुझसे पूछो ना तो फिर आई थिंक यू शुड लर्न इंग्लिश, ठीक है, तो इस तरह से कर सकते। नेक्स्ट है, होल्ड ऑन माई एडवाइस, होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, जैसे हम टेलीफोन करें तो वो कहता है होल्ड करना जरा, मीन्स मेरे मशवरे पर आपने क्या करना है, अमल करना है, सुटन वाली गल नहीं जिसको हम कहते हैं, होल्ड ऑन टू माई एडवाइस ये है कि मेरे अल्फाज और मेरी नसीहत जो है वो सुटन वाली गल नहीं, रखने वाली गल है, इसको आपने क्या करना है, महफूज रखना है, इसको आपने याद रखना है, ठीक है। आज का लास्ट टॉपिक हम देखते हैं वो क्या है, फॉरबिडिंग समवन, फॉरबिड करना क्या होता है, मना करना, ठीक है, किसी को रोकना, तो सादा सा लफ्ज है पहला स्टॉप, ठीक है, आपके पास अथॉरिटी है, या सिंपल कोई ट्रैफिक पुलिस में है, कोई कहीं पे भी है, ठीक है, कोई पेरेंट्स हैं, टीचर वगैरह, क्या कह सकते हैं, सिंपल स्टॉप। उसके बाद है, अगर किसी को ज्यादा अच्छे तरीके से समझाना है, मना करना है, हर बंदे को हम ये तो नहीं कह सकते स्टॉप, वो कहेगा मुझे क्यों कहा ये स्टॉप, इस तरह से डोंट यू थिंक ऑफ इट फर्दर, ठीक है, तो आप कह रहे हैं मजीद ये जहां तक जो तुमने काम कर लिया है, मजीद इस काम को दोहराना नहीं है, इससे आगे तुमने सोचना भी मत, ठीक है, तो आप उसे रोकने का ये एक अंदाज है, धमकी टाइप भी हो सकता है। नेक्स्ट, डोंट ट्राई टू स्मोक, ठीक है, या डोंट ट्राई टू बंक द क्लास, क्लास से आपने गायब नहीं होना, ठीक है, इसी तरह से यू मस्ट नॉट स्पीक, ठीक है। अच्छा बेटे, मस्ट नॉट को इकट्ठा भी पढ़ा जाता है, उसे कहते हैं हम मसंट, क्या पढ़ते हैं, हम कहेंगे यू मसंट स्मोक, अब असल लफ्ज ये मस्ट नॉट, तो इसको बेटे कॉन्ट्रैक्ट करके इंग्लिश में हम कैसे पढ़ लेते हैं, मसंट, ठीक है। नेक्स्ट है, डू दिस एंड यू विल बी इन अ फिक्स, कहना कर सही है काम तो फिर क्या खुद ही फंसोगे, मुझे क्या, जैसे यानी आपके कि हमने नहीं याद करके आना ये, तो मैं क्या कह सकता हूं, डू दिस एंड यू विल बी इन अ फिक्स, फिक्स का मतलब क्या होता है भाई, फिक्स का मतलब एक जगह पे फिक्स हो जाना, फंस जाना, जम जाना, जहां पर आपको कुछ भी समझ ना आ रही हो, इसके लिए इंग्लिश में मुहावरा भी यूज होता है, इन अ फिक्स, ही इज इन अ फिक्स एंड डोंट नो व्हाट टू डू, वो क्या है, वो मुश्किल में है और उसे पता नहीं क्या करना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे।